शेर की तरह जीना सीखो। ज़्यादातर लोग सिर्फ अपने कंफर्ट जोन में काम करना पसंद करते हैं, वो बस एक सिक्योर कोना ढूंढते हैं और उसी कोने में अपनी पूरी ज़िंदगी बिताने के लिए सोचते हैं। असल में इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक वो जो सिर्फ अपनी मजदूरी करना चाहते हैं, सिर्फ हाँ में हाँ मिलाकर आगे बढ़ना चाहते हैं, और दूसरे वो जो अपने दम पर लोगों के हाँ में हाँ ना मिलाकर उनके हिसाब से जो चीज़ सही है वो चीज़ करके ऊंचाइयों के शिखर को छूने की ताकत रखते हैं। ये जो मजदूरी करने वाले लोग होते हैं ना, ये सिर्फ वही करते हैं जो इनका मालिक इन्हें करने को कहता है, इसलिए इन्हें मिलता भी उतना ही है जितना इनका मालिक इन्हें देता है, और जो अपने दम पर अपने आप को सही साबित करते हैं उन्हें इतना मिलता है जितना उनके सोच उन्हें देने के सपने दिखाती है। असल में अपने दम पर जीने की ताकत सब में नहीं होती, कोई बहुत ही खास होता है जो गधों के झुंड से निकलकर शेरों की तरह रास्ता बनाना जानता है। आपने देखा होगा कि गधा कैसे मेहनत करता है, दिन रात काम करता है, अपने मालिक की गुलामी करता है, वह बहुत ही जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी रहता ही आखिर गधा है। लेकिन शेर वो पूरे दिन सोता है, लेकिन जब समय आता है शिकार का तब वह अपनी पूरी ताकत लगा देता है, वह अपना लीडर खुद होता है। शेर कभी किसी की गुलामी नहीं करता, जितनी मेहनत गधा पूरे दिन में करता है शेर एक मिनट में करता है, लेकिन उसके द्वारा एक मिनट में की गई मेहनत गधे द्वारा की गई दिन की मेहनत से कई गुना होती है। शेर जब एक बार शिकार करता है तो फिर दो तीन दिन तक शिकार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन गधा अगर एक दिन काम ना करे तो उसको उसका काम नहीं चल सकता, उसका मालिक उसे भगा देगा। मजदूरी वो लोग करते हैं, उनकी मेहनत सफल तो होती है पर काम वही करना पड़ता है जो उनका मालिक उन्हें करने को बोलता है। वह बोलेगा चाय लेकर आ तो चाय लानी पड़ेगी, वह बोलेगा कि टेबल पर थोड़ा कपड़ा मार दे तो कपड़ा मारना पड़ेगा, पर अगर आप शुरू में ही टोक दें कि मेरा जो काम है उसके अलावा और कोई काम नहीं कर सकता मैं, तो तुम्हारे सीनियर की हिम्मत नहीं होगी कि दोबारा ये चीज़ बोले। मजदूरी करते कर तुम ऊंचाई पर पहुंच भी जाते हो तो उन लोगों को नज़र में तुम्हारी इज्जत वही रहेगी हमारी वजह से ही वह पहुँचा है, पर अगर तुम अपने दम पर ऊंचाई पर पहुंचने की हिम्मत रखते हो तो इस दुनिया का कोई भी आदमी नज़र उठाने से पहले 100 बार सोचेगा, और अगर नज़र उठती भी है तो उन आँखों में इतनी आदर प्यार और सम्मान होगा कि तुम्हारा सीना गर्व से और चौड़ा होने लगेगा। गुलामी किसी की भी क्यों करनी है यार, क्यों किसी के पैरों में बैठ कर रोटी मांगनी है, क्या तुम वह चीज़ हासिल नहीं कर सकते जहाँ वह शख्स बैठा है जिसकी तुम गुलामी कर रहे हो। कोई भी इंसान कमज़ोर सिर्फ तब होता है जब उसका बुद्धि और उसका दिल उसे ये यकीन दिलाता है कि तू कमज़ोर है, और अपने दिल दिमाग की नहीं, अपने दिल दिमाग को कंट्रोल में रखो, अपने मन को कंट्रोल में रखो। ये पूरी दुनिया भगवान ने आपको पूरे सम्मान से जीने के लिए दी है, ईश्वर के अलावा यह सिर कहीं झुकाने से पहले 100 बार सोचना कि जहाँ मैं सिर झुका रहा हूँ वह इस लायक है भी या नहीं। काम करो, बहुत करो, पर कभी अपने आप को किसी के पैरों में गिराना मत, और ना कि किसी के आगे इतना झुकना कि वह आपकी कमर को कामदान समझने लगे।